वायरस के संकट में लागू लॉकडाउन में हजारों लाखों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद की मदद के लिए कई हाथ सामने आ रहे हैं। आम आदमी से लेकर तमाम सेलिब्रिटीज और दिग्गज, साथ ही समाज सेवी संस्था भी लोगों की मदद करने में बिल्कुल पीछे नहीं है। ऐसे ही वाराणसी की एक संस्था है ऑरेंज कैफे एंड रेस्टोरेंट, जिसमें कुछ महिलाएं हैं जो जरूरतमंद की सेवा कर रही हैं। जरूरतमंदों की सेवा के लिए जो महिलाएं आगे आ रही हैं, वो खुद एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। ये एसिड अटैक सर्वाइवर जो अब समाज में कोरोना वॉरियर बनकर सामने आई हैं। ये महिलाएं खाने के पैकेट में पराठा सब्जी, पूरी सब्जी या दाल चावल से भरे 200 पैकेट रोजाना बांट रही हैं। ऑरेंज कैफे एंड रेस्टोरेंट, जो इसी साल 14 फरवरी को शुरू हुआ, इसने अब तक 5900 पैकेट स्थानीय पुलिस, सरकारी संगठनों की मदद से लोगों तक पहुंचाया है। इन लोगों में प्रवासी मजदूर, रिक्शा चालक, एकल महिलाएं, वृद्ध, बेघर यात्री और शहर में अलग थलग पड़े लोग शामिल हैं। इस काम के लिए ऑरेंज कैफे एंड रेस्टोरेंट को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से सराहना मिल चुकी है। साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के नमामि गंगे कार्यक्रम में भी इसकी इस पहल की फेसबुक पेज पर जमकर तारीफ हुई है। बता दें, पूरे वाराणसी के 14 जगहों पर ये पहल अभी भी जारी है। ऑरेंज कैफे एंड रेस्टोरेंट की स्थापना करने वाली इन महिलाओं को न्यूज सलाम करता है। न्यूज डेस्क।